बारिश के बाद दोबारा शुरू हुए मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दिया है 337 रन का विशाल लक्ष्य। जी आपको बता दें कि भारत की तरफ से आज लोकेश राहुल ने शानदार 57 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा ने शानदार 3 गगनचुंबी छक्के और 14 चौके लगा के 140 रन की पारी कही, तो वहीं विराट कोहली 77 रन बनाए और साथ ही साथ वो 11,000 रन बनाने वाले दुनिया का एक और खिलाड़ी और सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि 19 गेंदों पे 26 रन की अहम पारी हार्दिक पांड्या ने भी खेली और अंतिम समय में विजय शंकर और केदार जाधव की छोटी पारियों के चलते भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट गंवा के 336 रन बनाए हैं। आपको बता दें पाकिस्तान के लिए सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 10 ओवर में 47 रन देके 3 विकेट झटके। हालांकि अब आपको बता दें कि 336 का स्कोर पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा और उम्मीद की जा रही है कि विश्व का नंबर एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जिस टीम में हो तो भारत की जीत निश्चित मानी जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में भारत को कंपटीशन दे पाएगा या ये मैच भारत जीत चुका है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ रोहित शर्मा के शानदार शतक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित लिखना ना भूलें।